नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर जॉन चैंबर्स के बयान को लेकर आ रही है, जहां अमेरिका के शीर्ष उद्योगपति जॉन चैंबर्स ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा पीएम नहीं बनते हैं तो भारत के विकास का पहिया रुक जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी साहसी और निडर हैं, उनके नेतृत्व में भारत विकास की एक नई आयाम हासिल कर सकता है। और अगली खबर उत्तरांचल से आ रही है, जहां उत्तरांचल के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस की कारगुजारियों का पर्दाफाश करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर जाएंगे, जहां पर प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की सटीक जानकारी दिया जाएगा। और अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट कर कहा कि जैसे जैसे दिल्ली में कभी आईएएस तो कभी एलजी के खिलाफ न्यायालयों के फैसले आ रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि किस हद तक मोदी जी ने लोकतंत्र को गुलाम बना रखा है। और अगली खबर पंजाब से आ रही है, जहां पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर ने कैप्टन अरमिंदर सरकार को झटका देते हुए विधायकों के बोर्ड व निगमों के चेयरमैन बनाए जाने के बारे में तैयार अध्यादेश लौटा दिया है। इस बारे में राज्यपाल बदनौर ने कहा कि अध्यादेश लाने की बजाय विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें विधिवत ढंग से सरकार बिल पास करे। और अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि मोदी सरकार का मूल मंत्र भ्रष्टाचार का खात्मा है। उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार इसी मंत्र पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा मोदी सरकार देश को नई ऊंचाई पर लेकर गई है। और अगली खबर राम माधव के बयान को लेकर आ रही है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने शशि थरूर की आलोचना करते हुए कहा कि थरूर जी ना तो हिंदू और ना ही मुसलमानों को समझ पाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार अगले 5 वर्षों तक रहेगी। और अगली खबर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के बयान को लेकर आ रही है, जहां उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले हमें शिष्टाचार ना सिखाएं और दूसरों की चिंता करने के बजाय अपना घर देखें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की आम पार्टी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक पहुंच गए थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। और अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार के सुपौल से सांसद रंजिता रंजन ने सीएम नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से कुर्सी के पीछे भागते रहे हैं। चुनाव के समय जो दल उनके डीएनए पर सवाल किया, चुनाव के बाद उसी की गोद में बैठ गए और बिहार की जनता को गर्त में छोड़ गए हैं। और अगली खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अच्छा काम कर रही है, इसलिए तमिलनाडु सरकार की राय है कि यूजीसी को खत्म करने और इसकी जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की कोई जरूरत नहीं है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही है, इसके लिए मैंने शिकायत भी की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ इसी तरह के मामले में तत्काल कार्रवाई की जाती है और आरोपियों को जेल में डाल दिया जाता है। और अगली खबर बॉलीवुड से आ रही है, जहां खबरों की माने तो जल्द ही अनिल कपूर की दूसरी बेटी रेहा कपूर भी अपने बॉयफ्रेंड करण बुलानी से शादी करने जा रही है। ऐसे में अब अनिल कपूर के घर दोबारा शहनाई बजने वाली है, हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और अगली खबर भी बॉलीवुड से आ रही है, जहां महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के अंदर बाहर से खाने पीने की चीज ले जाने की इजाजत दे दी है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट मिनिस्टर ने देते हुए कहा कि अब से ऐसा कोई रूल नहीं होगा कि मल्टीप्लेक्स लोगों को बाहर से खाने पीने का सामान ले जाने से रोके। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
और अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से। हमारे संवाददाता संजय राठौर बता रहे हैं कि लखीमपुर में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे प्राथमिक विद्यालय व कन्या मध्य विद्यालय में जलभराव हो गया है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार बता रहे हैं कि जनपद कन्नौज का मूल निवासी अंकुर त्रिपाठी का जनपद मैनपुरी के नहर में डूबने से जीवन लीला समाप्त हो गई। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? मैनपुरी से कुछ लड़का वैसे लेके आए साथ में सर। अच्छा, यहाँ ये नहर से, तो यहाँ नहर नहलाव किया करो, इसकी नहर में फेंका गया और अभी जो है डेड बॉडी मिली काफी। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से। हमारे संवाददाता संजय राठौर बता रहे हैं कि लखीमपुर में चेन छीने जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लखीमपुर शहर में एक महिला के गले से चेन छीनकर ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को माल बेचते समय गिरफ्तार कर लिया। और अगली खबर बिहार के पूर्णिया से आ रही है, जहां धान के कटोरे के रूप में शुमार पूर्णिया पूर्व प्रखंड के विभिन्न इलाकों में मानसून के दस्तक से पानी से भरे लबालब खेतों में रोपनी का कार्य शुरू हो गया है। वहीं रोपनी करने वाली महिलाओं की मनोहारी गीत गूंजने लगी है और किसान धान रोपनी में जुट गए हैं। और अगली खबर राजस्थान से आ रही है, जहां मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर सहित 7 शहरों में भारी वर्षा होने की संभावना है। और अगली खबर दिल्ली के बदरपुर से। हमारे संवाददाता हनी सहगल बता रहे हैं कि बदरपुर के आम नागरिक हरीश आवाना ने विधायक नारायण दत्त शर्मा की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव की तारीख नजदीक देखते हुए शर्मा अब नींद से जागे हैं। इससे पहले उन्होंने जमकर राजस्व धन का दुरुपयोग किया है। आइए देखें ये रिपोर्ट। आज भी लोग विधायक से खुश नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को दिक्कत है उनकी कार्यशैली से, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। जैसा आपको पता होगा कि जाम की बहुत बड़ी समस्या थी हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जैतपुर मोड़, ऑटो की गुंडागर्दी सबको पता है, वहाँ पास सबवे जो हटना था वो गलत बना हुआ, यहाँ डिवाइडर जो हमने खुद बदरपुर के युवाओं ने मिलकर 17 महीने में सिर्फ 1 किलोमीटर का रोड भी नहीं है, वो 17 महीने में डिवाइडर लगे उनसे, गोल चक्कर वो कहते हैं कि उन्होंने करवाया है, जबकि वहाँ मीठापुर और मोड़बंद के लोगों ने मिलकर उसका सुझाव दिया और वो करवाया। यहाँ कई सारी समस्याएं हैं, पुल का चौड़ीकरण, एक और पुल बन सकता था वो नहीं बना, रोड चौड़ा हो सकता था जैतपुर मोड़ वाला वो नहीं हुआ। सर फिर इतनी सारी समस्याएं हैं जैसे आप बता रहे हैं, आपने ऑटो वालों की बात करी, जैतपुर मोड़ पे ऑटो वालों की दादागिरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, विदाउट लाइसेंस ऑटो चलाते हैं, नाबालिग बच्चों के हाथों में ऑटो दे रखे हैं, एक्सीडेंट आए दिन होते हैं, इस पे कोई कार्रवाई क्षेत्र के विधायक क्यों नहीं करते? विधायक के 5 नंबर है, ये कहते हैं कि हमारे अंडर पुलिस नहीं है, जबकि 5 नंबर जो है दिल्ली सरकार के अंडर है, उन्हें बताया भी है, हमने खुद उनके ऑफिस पे जाकर उन्हें बताया कि 5 नंबर जो है दिल्ली सरकार के अंडर आता है, आप उससे कार्रवाई कर सकते हैं इनको, पर नियत नहीं है करने की उनकी। जहाँ दिल्ली सरकार जो 5 नंबर है वो ट्रैफिक के लिए ही है, जो अनऑथराइज्ड ऑटो हैं, जो लाइसेंस नहीं है उनके पास, एक भी कागज नहीं मिलेंगे आपको वहाँ, बच्चे नशा करके चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, जबकि विधायक किस काम के हो आप ये बताइए, आप जब आप इतना सा काम नहीं करवा सकते फिर लोगों ने आपके चुन के क्यों भेजा? आपने लंबे चौड़े वादे करे थे जीतने से पहले, इतने वादे करे थे लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सर अभी अभी हाल ही में पिछले हफ्ते मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, क्षेत्र में डिस्पेंसरियों की हालत तो सुधर नहीं पा रही, लेकिन नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने से क्या दिखाना चाहती है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार अच्छा काम है, मोहल्ला क्लिनिक कोई बुरा वो नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन जिस तरह से 3.5 साल 4 साल मतलब जब चुनाव नज़दीक आते जब ही नहीं याद आती है किसी काम की, टंकी रोड ले लीजिए आप, 3-4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ, मतलब चुनाव नज़दीक आता है इनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। 5 लाख लोग बेवकूफ नहीं है बदरपुर के, जो आपको हर बार जिताएंगे वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो रही है। बदरपुर में NTPC ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ बच्चे खेलने आते थे, आज वो तकरीबन कूड़ादान में बदल चुका है। NTPC का कूड़ा अगर हम शिफ्ट करना चाहें तो कौन सी लैंड ऐसी बदरपुर में अवेलेबल है जहाँ पे NTPC का कूड़ा शिफ्ट करा जा सका है? लैंड अवेलेबल के लिए वो प्रपोजल दे सकते हैं, दिल्ली में बहुत सारी है जहाँ कूड़ा डलता है, आप वहाँ कर सकते हैं, जैसे ओखला में है और सारी जगह है वहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। जनता के लिए एक ही संदेश है कि इस बार नेताओं की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी हमें, और वो
इस बार हम सोच रहे हैं कि जो भी नेता स्टैम्प पेपर पे अपना मैनिफेस्टो देगा, पिछली बार 21 साल से और अब भी ऐसा होता है कि इनके मैनिफेस्टो प्रिंटिंग प्रेस वाले छाप देते हैं, 200-400 वो कह देते हैं कि छाप दो जो मन करे, क्योंकि इन्हें पता कोई कार्रवाई होनी नहीं है, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा वादे नहीं पूरे करेंगे, जनता क्या करे, कुछ नहीं। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इस पर स्टैम्प पेपर का एक प्रपोजल लाया जाए, जिससे कि जो भी नेता स्टैम्प पेपर पे 5-10 दे, हमें 50-100 की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इसमें इनकी नाक की लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है, सांसद विधायक निगम पार्षद कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, सबकी नाक ऊंची रखनी पड़ती है कि मैं क्यों मिलूं सांसद से, जबकि विधायक सांसद जी से कई सारे फंड ला सकते थे बदरपुर क्षेत्र के लिए। तो ये थी आज सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।